वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके सामने लाया हूँ ल्यूमिनियस इको वाट 650। ये साइन वेव इन्वर्टर है और चाहे इसकी पीसीबी बोर्ड है, मैंने बाहर निकाल ली है। इसमें दिक्कत यह है, ओवरलोड आ रहा है। तो मैंने इसमें से पहले चेक किया, शायद मॉस्फेट तो नहीं फट गए, या तरह मॉस्फेट फटने से मैं आता, लेकिन मॉस्फेट सारे सही हैं। तो ये मेरे सामने पहली बार ऐसा फॉल्ट आया है ओवरलोड का इस किट में। अदर में तो आते हैं, लेकिन इस किट में कभी ओवरलोड का फॉल्ट नहीं आया। तो इसके लिए मेरे हिसाब से इसमें देखो, ये आईसी है, ये इसका मेन प्रोसेसर है, ये 74C है जो आईसी इसके एलईडी कनेक्शन सबको ऑपरेट करती है, रिले को। ये 324 है जो चार्जिंग वगैरह में वर्क करती है। ये इसमें 358 है, ये ओवरलोड वगैरह के लिए यही आईसी है। तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ चेक नहीं करूँगा, सबसे पहले इसी को निकाल के दूसरी लगा देता हूँ और फिर मैं टेस्ट करूँगा। मेरा मानना है कि इसे लगाने से ये दूर हो जाएगा। और बाकी आप चाहो तो पहले ये ट्रांजिस्टर SMD ना चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी काम नहीं है। ये जीनर भी चेक कर सकते हैं, ये लगे हुए हैं। बाकी सब मैंने चेक किया तो मुझे सही है। तो मेरे हिसाब से IC ख़राब है, तो मैं इसे SMD को निकाल के, मेरे पास दूसरी भी IC है, मैं वो भी लगाता हूँ। तो लगा के चेक करता हूँ क्या कंडीशन आती है और फिर इसको कसने के बाद टेस्ट करता हूँ। ये मैंने IC इसमें से बाहर निकाल ली है PC में से। नंबर थोड़ा इसका थोड़ा दिख नहीं रहा, 358 है। मैं ये नई लगा देता हूँ, इसको चेक करता हूँ। यहाँ मैंने अभी दूसरी IC इसमें फिट कर दी है, देख सकते हैं LM358। अब मैं इस PC को चेक कर, तो हमने अब ये PC भी इसमें कस दी है, अब हम इसको टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले DC MC भी ऑन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इको ऑन हुई है, कोई ओवरलोड की LED नहीं है। वोल्टेज भी देख सकते हैं 237 वोल्टेज भी लोड भी ले रहा है, एंड एम्पियर 8 एम्पियर शो कर रहा है। अब इसकी चार्जिंग टेस्ट करेंगे हम। मैंस ऑन आ गई है, अभी एम्पियर कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं चार्जिंग एम्पियर आ रहा है इसमें 16 एम्पियर। साइन वेव इन्वर्टर है, जैसा कि आप जानते हैं, नॉर्मल इन्वर्टर की अपेक्षा इनकी थोड़ी एम्पियर डिफरेंट होते हैं। तो आप भी अगर ये फॉल्ट आए तो इसमें IC 358 चेंज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक्स वॉचिंग वीडियो।